हेलो, गुड मॉर्निंग जी। इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है और पूरा घर फैला पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आता, हम इतना संगवा के सब रखते हैं और उसके बाद भी सारा घर कैसे फैल जाता है। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, पता नहीं चलता। कल इतना संगवाया था, आज फिर इतना सारा फैल गया। तो समझ नहीं आता कि भाई कौन आके फैला जाए। तो बात तो ये है जी कि अगर एक दिन रोटी खा के अगले दिन भूख ना लगे तो क्या ही बात है ना। रोज रोटी खाते हैं, रोज बनानी पड़ती है, रोज भूख लगती है, तो ऐसे ही रोज घर संगवाते हैं, रोज फिर फैल जाता है। अगर ना फैले तो हमारे पास तो कोई काम ही ना हो करने के लिए। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। बाकी सब काम तो करेगी मोनिका उठने के बाद। तो मैं चलती हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। अगर आपने भी इस तरीके से मेथी के पराठे बनाए ना, आप यकीन मानिए बच्चे रोज मेथी के पराठे मांगेंगे। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए भाई हमें क्या चाहिए? मेथी। तो मैंने ले ली है मेथी, पत्ते तोड़ के मैंने रात को रख दिए थे कि मेरा पहले से आइडिया था कि मेथी के पराठे बनाऊंगी। और मैंने लिया है एक बड़े साइज का टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। आप सोचोगे कैसे पराठे बना रही हूँ, तो आप भी देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ मेथी के पराठे। तो जी ये मेथी को मैंने तोड़ के पहले ही रख लिया था रात को। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। ये हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं ना, ये हमें हमेशा काटने से पहले धो लेनी चाहिए। और अब ये लहसुन और हरी मिर्ची को मैं बारीक बारीक काट लूँगी, ठीक है जी। और ये जो टमाटर रखा हुआ है इसको मैं कर लूँगी कद्दूकस। तो ये सब तैयारी करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो जी सारी मेरी तैयारी ऑलमोस्ट डन है। ये मैंने मेथी बारीक काट के रख ली है, ये है जी लहसुन और हरी मिर्च, और ये टमाटर कद्दूकस कर लिया है, और मसालदानी निकाल के कर ली है तैयार। और कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है सरसों का तेल धुआं निकलने के लिए, जिससे कि इसकी सारी स्मेल निकल जाए। ये लीजिए, तो जैसे ही ये हो जाएगा गरम मैं आगे की तैयारी शुरू करूँगी। तो ये तेल अच्छी तरह गरम हो गया है, इसमें मैं डालूँगी हींग। और हींग जब पक जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन और हरी मिर्च। आप भी सोचोगे कि ये कैसे मेथी के पराठे बना रही हूँ मैं। आप यकीन मानिए, आप इस तरीके से बनाइएगा, देखिएगा सबको बहुत पसंद आएंगे। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च कम डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये टमाटर। और इसमें डाल दूंगी बाकी के मसाले, थोड़ा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर। अब इसको अच्छे तरीके से टमाटर को पका लूंगी। तो ये टमाटर हमारा पक गया है, अब मैं इसके अंदर ये जो मेथी काट के रखी थी ना, ये डाल दूंगी। और इसको अच्छे तरीके से पका लो। तो देखिए टमाटर के साथ ये मेथी जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब बस हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने का मौका देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसके पराठे। तो ये मेथी हमारी हो गई है ठंडी, और अब इसको मैं डाल दूंगी आटे के अंदर। मेथी डालनी है भाई, तू क्यों भाग रहा है? ये मेथी मैं डाल दूंगी इस आटे के अंदर, और कढ़ाई को भी आटा डाल के ना अच्छे तरीके से पोंछ लूंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ऑयल और मसाले लगे रहते हैं। और अब इसको धीरे धीरे सारे मेथी को आटे के साथ मिक्स करके, अगर जरूरत लगी तो हल्का हल्का पानी डालूंगी, वरना मैं इसको ऐसे ही मेथी के साथ गूंद लूंगी।
आटा गूंथते टाइम ना परात के नीचे हमेशा ऐसे कोई टॉवल या नैपकिन रख लेना चाहिए, तो परात जो है वो इधर उधर सरकती नहीं है, वरना जब स्लैब के ऊपर अगर परात सरके ना और वो कचर कचर की आवाज आए, मेरे तो बड़ा ही दिल खराब होता है। तो हमेशा मैं इसके नीचे ये कोई टॉवल वगैरह रख लेती हूँ। तो ये आटा हमारा गूंध गया है, अब मैं इसको इकट्ठा करके रख देती हूँ फिलहाल, और नाश्ता बनाऊंगी अभी जब बच्चे उठ जाएंगे, मतलब पराठे सेकूंगी जब उठ जाएंगे बच्चे। ये लीजिए जी, आटा हमारा बिल्कुल गूंध कर हो गया रेडी, पराठे बनने के लिए तैयार। तो जी ये जो मैंने मेथी को पहले तड़का बनाया था ना, उसके दो फायदे हो जाते हैं, एक तो मेथी की जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और दूसरा उसके अंदर जो तेल होता है ना वो आटे में मोयन का काम करता है, तो ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं, मतलब खस्ता बनते हैं। तो मैं तो नाश्ते के लिए बना रही हूँ, इसलिए हम इसको चाय के साथ और मलाई के साथ बटर के साथ ऐसे खा लेंगे, लेकिन इन्हीं पराठों को अगर आप लंच के लिए बनाए ना, तो इसके साथ बनाए रसे वाले आलू टमाटर की सब्जी, वो सब्जी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी अगर आटा बच गया ना इसमें से, तो मैं दोपहर में ज़रूर रसे के आलू टमाटर बना के एक बार उसके साथ खाऊंगी। मेथी के पराठे मुझे बहुत पसंद है। तो जी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर अभी तक भी नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो फिर कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और अपनी अलग तरह की, तो क्या कह सकती हूँ, सभी बनाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी सबका तरीका कुछ ना कुछ अलग होता है, तो मैं ऐसे ही अपनी रेसिपीज लेकर आपके लिए आती रहूँगी, या फिर अपने दूसरे व्लॉग एक तरफ और कुकिंग का व्लॉग एक तरफ। तो जी मैं करती हूँ नाश्ता और आप देखो वीडियो, अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।